हाँ सर, बोलना हम ये चाहते हैं, देखिए बनाई का स्वास्थ्य उप केंद्र तो खुल गया है, लेकिन ये लोग अभी टाइम से तो आ रहा है और दवा हुआ तो पूरा मिल रहा है, और क्योंकि दिक्कत तो अभी तो नहीं है क्योंकि अभी तो चालू है और ये लोग बराबर ही आ रहा है, मतलब कल परसों से, और काम तो पूरा ओके हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जोहार। और इस वक्त मैं खूंटी जिला रानिया प्रखंड के पंचायत बनई ग्राम बनई उप स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित हुआ हूँ। और जो देख रहे हैं, ये पिछले 2 साल से बंद का बंद था, जिससे 5 गांव सहित 2 से 2.5 हज़ार लोगों को मामूली दवाई के लिए और इलाज के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। और ग्रामीणों के कहने पर मैंने जनवरी महीने में एक वीडियो बनाया था। हमारे यहाँ बहुत गरीबी स्थिति है, इसे हमें बारी झारी करे वाला आदमी हमें जाए नहीं पा रही ला, बारी झारी में परेशानी आई और जर बुखार हो जाए तो हमें के सुई दवाई करे के लिए पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ सरकारी सुविधा से दवाई सुई मिल जाए तो हमें करवा ले लै है जा, और तबकार और रनिया जाए में बहुत दिक्कत हो ला से नहीं। अगर जल्दी खुलता कर ले हमारे बाल बच्चा, अभी कभी सर्दी खांसी छोटा छोटा जर बुखार होते रहेला, वो अगर हो जाता जल्दी खुल जाता तो हमरे के ठीक रहे, सुई दवाई यहीं से सुविधा मिलता। ये हम लोग का बनई गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र 2 साल से बंद है और हम लोग को दवा बीरो भी मिल नहीं पा रहा है, या तो बच्ची लोग को भी सर्दी खांसी होता है तो दवा बीरो के लिए हम लोग को तब कराया रनिया जाना पड़ता है, उसके लिए पैसा भी तो ज़रूरी होगा, पैसा रहता है नहीं रहता है तो कैसे हम लोग भाड़ा भुता करके जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को मैं अवगत करना चाहता हूँ कि ग्रामीणों की समस्या के लिए हम लोग गाँव में बैठ करके एक लिखित आवेदन तैयार किए प्रभारी के नाम पर, और हम लोग समुदाय के साथ प्रभारी पर मिलने गए, लेकिन ऑफिस में अपना व्यक्तिगत काम से वो ऑफिस में नहीं थे, जिससे हम लोग वहाँ के जो महिला डॉक्टर थी उसको ज्ञापन देके चले आए। लेकिन भी मैं लगातार प्रभारी संपर्क करता रहा और मैं सोशल मीडिया के फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर करता रहा, जिससे आज ये स्वास्थ्य केंद्र खुल गया। और आइए सुनते हैं उनकी जुबानी बातों को। मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था इतना दिन से और अभी खुल गया है, तो हम लोग को दवा बीरो भी मिल रहा है, थोड़ा सुविधा मिल ही रहा है, अभी खुला हुआ है इसलिए। और ये सब संभव तो हमारे राविंदर बड़ाइक जी के लिए ही हुआ, ग्राम सभा में आए और हम लोग भी कुछ बताए इनके बारे में जो बंद था उसके बारे में, तो इन्हीं के माध्यम से हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र खुल गया और हम लोग को अभी मिल रहा है सुविधा, दवाई सब मिल रहा है, काफी दिन से बंद था और अभी खुल गया ना। अभी खुल गया है, दवाई भी मिल रहा है। दवाई लाने गए थे क्या? हाँ दवाई लाने गए थे। क्या का दवाई मिला? पतला पैखाना का दवाई मिला है और वायरलेस मिला है। और खाए? हाँ खाए हैं। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। तो आज मैं बनई उप स्वास्थ्य केंद्र आया हुआ हूँ और बहुत दिनों के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, और हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के एनएम दीदी लोग हैं। अभी तो नियमित रूप से खुल रही है, खोल रहे हैं और मरीज लोग को सेवा भी दे रहे हैं। दवाई सब लोग रहता है? सब चीज रहता है। और कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को यहाँ? नहीं। पेशेंट कितने लोग आते हैं? कभी कभी दिन में 10 भी आते हैं, उससे ज्यादा भी हो जाते हैं। इस प्रकार से आप सबों में अवगत करना चाहता हूं कि आज बने उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 साल से बंद तक खुल गया, जिससे 2 से 2.5 हज़ार लोगों को सेवा मिल रही है, एनएम दीदी लोग बैठ रही है, लोग दवाई ले रहे हैं। इसके लिए मैं वीडियो वॉलंटियर्स के ओर से तमाम स्वास्थ्य विभाग प्रभारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं रविंद्र बड़ाई, खूंटी जिला झारखंड, इंडिया नेट के लिए।